Welcome back to the channel Mom Talkies. I am Ritika और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी learnings, कुछ ऐसी activities जिसमें आप अपने बच्चों को engage कर सकते हैं. Life has brought us to different situations and different ही struggles. जीने का कुछ अब नया ही हिसाब है और नया ही ढंग. ऐसा लगता है इस stuck at home situation में कि life जैसे रुक गई है. हमारे पास तो फिर भी काम है ना, ऑफिस का, घर का, सब मैनेज करना होता है. पर बच्चों के पास क्या है? नो गोइंग टू स्कूल, नो आउटडोर प्ले एंड नो मीटिंग फ्रेंड्स. वो भी उतने ही डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड हैं शायद कहीं ना कहीं जो हम हैं. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड सम न्यू डायरेक्शंस, कुछ नए एवेन्यूज, कुछ डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड जिसमें वो कुछ सीख सकते हैं और जो आज के टाइम में काफी रेलिवेंट. तो पहली एक्टिविटी है वेब डेवलपमेंट. यस, यू हर्ड इट राइट, वेब डेवलपमेंट. दिस बेसिकली मींस डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट. दिस ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग एरिया एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टू. लेकिन आपके 10-11 साल के डिजिटली स्मार्ट बच्चे ये स्किल एक्वायर करना शुरू कर सकते. There is a simple language to start with, which is HTML, Hypertext Markup Language. ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं. काफी सिंपल है. आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में इसकी कोडिंग कर सकते हैं और अपने ब्राउजर पे उसकी आउटपुट देख सकते हैं. This actually is, I will call ABCD of the book of writing, you know, or making a website. ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे वेबसाइट बनाने लग जाएंगे, लेकिन उनका एक लॉजिकल बेंड क्रिएट हो जाएगा एंड वो बहुत एक्साइटेड होंगे कि दे आर मेकिंग समथिंग न्यू. बिलीव मी, मैंने अपने सन को इसमें इन्वॉल्व किया है एंड उसको इतना मजा आ रहा है. कभी उसको पिक्चर इंसर्ट करनी है, कभी उसको बैकग्राउंड चेंज करना है, कभी बॉर्डर लगाना है. इट्स मैटर ऑफ फ्यू टैग्स विच यू नीड टू कोड. काफी मजा आता है. डू ट्राई इट. लर्निंग मटेरियल आप HTML का गूगल पे सर्च कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलते हैं. बट अदरवाइज आई थिंक आई विल रिकमेंड W3 Schools for HTML. सर्च कीजिए, इनका मटेरियल अच्छा है. दिस इज एन इनफाइनाइट वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी फॉर योर चाइल्ड टू एक्सप्लोर. तो सेकेंड एक्टिविटी है ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग. आप रोज पेरेंटिंग पे, मदरहुड पे, फूडिंग पे ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, राइट? जो बच्चे रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनकी क्रिएटिविटी इसमें है, व्हाई नॉट एक्सपोज देम टू दिस. आई एम नॉट सेइंग रीडिंग ब्लॉग्स, आई एम सेइंग राइटिंग ब्लॉग्स. क्रिएट अ ब्लॉग पेज फॉर योर चाइल्ड. इट इज वेरी इजी. यू कैन गो टू wordpress.com और आप फ्री में विद फ्यू क्लिक्स यू कैन क्रिएट अ सिंपल ब्लॉग पेज. आस्क योर चाइल्ड टू पोस्ट ब्लॉग्स रेगुलरली ऑन दैट पेज. देखिए, योर चाइल्ड विल बी ऑन टोज. उसको थीम सोचनी होगी, उसको कंटेंट सोचना होगा, उसका ब्लॉग कैसा लिखे लगेगा, कैसा दिखेगा. ही विल बी ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड माइंड इट फुल टाइम एंगेज्ड एज वेल. और जब बच्चा ऐसी चीजें करता है तो काफी मोटिवेटेड रहता है. जब उसके ब्लॉग्स पब्लिश हों, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए. देखिए, ही विल बी वेरी हैप्पी. So guys, I hope you like the ideas और आप इनको अपने बच्चों के साथ try भी करेंगे, थोड़ा खुद भी कुछ सीखेंगे और उन्हें भी motivated रखेंगे. Do share your feedback and भूलना नहीं to hit the like and subscribe button ताकि आप हमारे साथ और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें as we are in it together.